गाइस, आप सबका एक नवी वीडियो में भी विदेश यात्रा पर आए हो और आपको सब कुछ महंगा लग रहा है, तो मैं आपको एक ऐसा जगह पर रिकमेंड करूंगा जो लगभग सभी भारतीय ट्रैवलर इसका रिकमेंड करते हैं। तो ये रहा 7-Eleven फुल इंडिया वाली प्राइस में। तो यहाँ से आप जो भी लोगे, आप बाकी जगह पर खाना खाओगे या कुछ भी लोगे, मान लो ब्रेड लेते हो, कॉफ़ी लेते हो, अंडा लेते हो, तो उन सभी दुकानों से सबसे ज़्यादा सस्ता आपको यहाँ 7-Eleven में मिलेगा। ये पूरे साउथ एशिया में है, इवन ये पूरी दुनिया में है इसकी शॉपिंग सेंटर, ठीक है, इवन भारत में भी है। शायद अब भारत में बहुत कम दिखाई देता है ये वाला शॉपिंग सेंटर। खाने के लिए ही नहीं मिलता, सिम भी मिलता है, सिम कार्ड भी मिल जाता है, सब कुछ मिलता है। गाइस, मैं यहाँ पे ना एक हफ्ते होने वाला है मेरा, और मुझे ना अभी तक यहाँ पे कोई भी रिक्शा, ठेला, रेड़ी पटरी वाला या भीख मांगने वाला कुछ भी कहीं भी दिखाई नहीं दिया पूरे शहर में। मैं एक हफ्ता में तो पूरा शहर छान मार दिया। मुझे पता चलता है कि ये देश काफ़ी विकसित देश है, काफ़ी डेवलप्ड है। और अभी मैं कुआलालंपुर से बाहर नहीं गया हूँ, लेकिन कुआलालंपुर के अंदर ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं दिया। हो सकता है कि कुआलालंपुर से बाहर ये सारी चीज़ें दिखाई दे, ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं यहाँ से निकलूँगा। बाकी अब हम आ चुके हैं सिटी सेंटर में। अलग अलग खाने की वैरायटी मिल जाए, बहुत कुछ मिलता है, मतलब यहाँ पे आपको तमाम तरह के गिफ्ट मिलेंगे। ये वाला बैग 50 रिंगिट्स का है, और ये आई लव मलेशिया, ये भी 10 रिंगिट का है। ये सारे पैकेज और ये सारे टी शर्ट आपको मिलेंगे, रीजनेबल प्राइस है, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है। ये सारे सोवेनियर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे सिटी सेंटर में। अलग अलग देशों के अलग अलग खाना भी मिल जाते हैं, जैसे जस्ट लाइक आपको मलेशियन फूड के अलावा चाइनीज, इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी। तो अभी ना मैं एक मॉल आ गया हूँ, यहाँ पे मैं डाटा केबल खोजने के लिए, मेरा डाटा केबल ख़राब हो गया सूडान। सो भाई देखो, सोमालिया से दो लोग मिले हैं मुझे, सोमालिया देश से। नाइस टू मीट यू, योर नेम? सलाह नाम है इनका, सोमालिया से हैं और मलेशिया में। व्हाट आर यू डूइंग इन मलेशिया? वर्किंग। ओके, तो बहुत दूर दराज से लोग, हर देश से लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं। आई गो इन सोमालिया ऑन अ व्हील चेयर, सो नो एनी प्रॉब्लम, राइट? नहीं, इनको कहा कि अगर मैं व्हील चेयर पर सोमालिया में यात्रा करूँ तो क्या मुझे कोई दिक्कत होगी? तो कहा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो एक दूसरे से लड़ते हैं। कोई सभी चीज़ सोच लो दिमाग में, दुनिया में एकमात्र देश है भारत जहाँ आपको सब चीज़ सस्ती मिलेगी, सिर्फ रोटी चावल भात नहीं, हर चीज़, डाटा, आटा, इंटरनेट, वही चीज़ यहाँ पे। जैसे मैंने अभी मोबाइल का टेम्पलेट ग्लास लगाने के लिए बोला था, तो जानते हो यहाँ 10 रिंगिट का मतलब समझ रहे हो? रिंगिट यहाँ पे ऐसे लिख के आ रहा है। फ़र्क इतना ही है कि जो यहाँ का मॉल है या जो भी शॉप है वो हाईटेक है, थोड़ा सा अमीर देश है ये, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अमीरियत जैसी दिखती है और उसी हिसाब के प्राइस यहाँ पे लगते हैं। पूरे कुआलालंपुर में आपको होटल हलाल मिलते रहेंगे, मिल जाएंगे, क्योंकि ये मुस्लिम देश है तो यहाँ पे मिल जाएगा। ख़ास करके यहाँ पे चाइनीज फूड भी बहुत मिलता है, तो उससे आप बच के रहें, क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो आपका रोमा पिघल जाता है। फिलहाल हूँ एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया हूँ। यहाँ पे जो प्राइस है ना वो काफ़ी महंगी है, क्योंकि ये सिटी सेंटर के पास है, क्योंकि यहाँ का जो खाना है मलेशिया का वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसी मैं मलेशिया के रूरल एरिया में जाऊँगा, ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट या पाकिस्तानी रेस्टोरेंट या कोई भी अपने जैसे खाना नहीं मिल पाएगा, तो मुझे
वहाँ पे उनके हिसाब से ही खाना पड़ेगा जो वो देंगे। तो ये पीछे है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट और उसके बगल में ही है हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट। मतलब दो आलू के पराठे, एक कप चाय हो गए 28 रिंगिट। 28 रिंगिट यहाँ पे लिख के आ रहा है कितना हुआ। यहाँ की पुलिस की गाड़ी, यहाँ की पुलिस बहुत ही ख़तरनाक है। मुझे ना दो बार रोक के पूछा, कौन हो तुम, कहाँ से आए। अब मैंने उनको पासपोर्ट दिखाया, बोला इंडियन, यस यस आई एम इंडियन, शो मी योर पासपोर्ट। बोले ले देख बेटा। फिर उसने बोला कि वीज़ा। हम बोले तुम कौन से दुनिया में जी रहे हो, वीज़ा फ्री हो गया है, तुम्हारी सरकार ने वीज़ा फ्री कर दिया, हमें बुलाया है तभी हम आए हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना, मलेशियन अराइवल कार्ड है उसको दिखा देना। नो कैमरा, इस तरह से बेच के अपना रोजी रोजगार चला रहे हैं, गजब। यहाँ पे मगरिब का नमाज होने वाला है तो इसके वजह से म्यूज़िक को रोक दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जब भी नमाज का टाइम होता है तो कोई भी एक्टिविटी नहीं की जा सकती, ये यहाँ के रूल है। चलो भाई अब यहाँ से अलविदा होते हैं, मतलब अब जाते हैं आगे की तरफ।